आज एक मेन वाटर वेस्टेज की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है और इट विल सेव 1000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे इन इंडिया। सी द वॉशिंग मशीन जो पानी निकालती है वेस्ट का, वो हम क्या करते हैं, सीधा बाहर चला जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें ये एक अरेंजमेंट बनाना है। एक टब लिया है, एक मोटर है छोटा सा, मोटर से सबमर्सिबल मोटर है जो कूलर वाला मोटर है, ठीक है। एक आउटलेट बाहर जा रहा है, हम अपना अरेंजमेंट लगा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मोटर को ऑन करना है। मोटर ऑन हो चुकी है, ये मोटर चल रही है। अब इसमें से, इस पाइप में से पानी बाहर जा रहा है। अब जैसे ही मैं मोटर को स्विच ऑन करता हूँ तो ये आउटलेट वाला पाइप है, ठीक है, इसमें से उसका पानी आ रहा है। ओके, आपने देखा होगा टैंक भरा हुआ है। अब क्या होता है, ये वाला वाला, इससे पानी अब वापस अंदर जा रहा है। अंदर कहाँ जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बाहर से जो पानी अंदर आ रहा है वो इस फ्लश में आएगा ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे आप कि दो तरफ के वाला, एक तो जो वॉशिंग मशीन का जो वेस्ट वाटर था वो आ रहा है वो वाला है, और ये फ्रेश वाला है, ठीक। ओके, मैंने अभी फ्लश ऑन किया, पूरा पानी निकल चुका है। और ये देखिए जो बाहर से वाटर वेस्ट है वो आ रहा है इसमें, ओके, इट इज़ वर्किंग। और यहाँ से मैंने फ्रेश वाटर को बिल्कुल लिटिल लिटिल ऑन किया हुआ है। सो देखा आपने, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है यार, बिल्कुल खास है, बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आता है। एक मोटर, टब, पाइप छोटा सा, और एक आपको वॉल लेके आना है, जो वॉल वो मैंने इसमें लगा रखा है। और हम एक बहुत ही बड़ी वाटर वेस्टेज की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज हम जितने भी फ्लश दिन में यूज़ करते हैं वो फ्रेश पानी के ना होके अब इसी यूज्ड वाटर के आया करेंगे।